नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। तारीख 3 मार्च साल 2002, बिल्किस बानो के लिए ये वो दिन था जब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। गर्भ में 5 महीने के पल रहे बच्चे के स्वागत के लिए बिल्किस और उसका परिवार तैयारी कर रहा था। उसके घर खुशियां आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों ने सब तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसी और निर्ममता से उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दंगाइयों का जी यही नहीं भरा, उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की। उसके साथ एक एक करके कई लोगों ने गैंगरेप किया। वो दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई। होश आया तो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद दोषियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अब उन्हें गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेल से रिहा कर दिया। दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया। सरकार ने एक समिति का गठन किया और इसे पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। पैनल की अध्यक्षता करने वाली पंचमहल की कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा, कुछ महीने पहले गठित समिति के मामले के सभी 11 दोषियों की छूट के पक्ष में सर्वसम्मत से निर्णय लिया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोषियों को रिहा कर दिया गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बिल्किस बानो को 2017 में पूरी तरह इंसाफ मिला, पर जो बीता वो साल 2002 था। इंसाफ मिलते मिलते 6 साल लग गए। 2008 में मुंबई से एक रोशन कार्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें से 3 ने बिल्किस के साथ रेप की बात को स्वीकार भी किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने सभी दोषियों को 55,000 रुपये मुआवजे के रूप में बिल्किस को देने का आदेश दिया। लंबी कानूनी लड़ाई और वर्षों के इंतजार के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला था, लेकिन इस 15 अगस्त को जब दोषियों को रिहा किया गया तो शायद वो जीत कर भी हार गई। इन अपराधियों की रिहाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।